बिलाल ये तो कोई बात नहीं, मैं सस्पेंस से मर जाऊंगी। कंडीशन मेरी भी ऐसी है, पहले मुझे तो नॉर्मल होने दो। उसे बगैर बताए मसला कैसे हल होगा बिलाल? हाँ ये तो है, लेकिन उसे कहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कोशिश करूँ? ऐसा करती हूँ, उसे दोस्त बना लेती हूँ। वो तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। अगर इतनी बड़ी है तो मॉम से दोस्ती करा देते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है। जो भी है वादा करो जितना जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो, ताकि ब्लॉक तो हटे। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां खड़ी हैं लाइन में मेरे भाई के लिए। उस जैसी कोई भी नहीं, उसके पास हर सवाल का जवाब है और उसे सही से समझाने का टैलेंट भी। बच्चों जैसी मासूम भी है और बड़ों जैसी मैच्योर भी। मैं जितना भी अपनी लाइफ में उलझा हूं ना, वो सारी प्रॉब्लम ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है। ज़ारा? कौन ज़ारा? नहीं मैंने कब कहा ज़ारा? अभी वो नहीं, वो मेरी जुबान स्लिप हो गई थी। स्लिप पहले नहीं अभी हो रही थी, वो भी जानबूझकर। अच्छा जाओ जाके अपना कोई काम करो, बोर हो रही हूँ। अच्छा तुम गेम लगाओ, आज बेस्ट ऑफ 3 हो जाए बिफोर लंच, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके साथ। ओए उठ, ओए उठ। ओए चश्मा पहन के कौन सोता है? क्या तकलीफ है यार, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। ओ यार सैम के कैफे में मसला हो गया, जल्दी चल, कैफे बुलाया उसने। चलो भाई अब उठो, तैयार हो कैब बुलाओ। भाई तू तैयार हो जा, समझ कैब आ गई है। क्या मतलब, तूने पहले से बुलवा लिया? वो अपने बेस्ट फ्रेंड बिलाल को मैंने कॉल की थी तो वो बस लेने आ रहा है। मैं तू तैयार हो जा बस जल्दी से। तेरा बेस्ट फ्रेंड बिलाल कब से हो गया? तेरा बेस्ट फ्रेंड तो मैं था यार। पता नहीं क्यों जलने की बदबू आ रही है, चूल्हा भी बंद है तो। रुक तुझे तो मैं बताता हूँ। देख बात सुन, सैम को हमारी जरूरत है, सैम खतरे में ठीक है, और हमें कैफे पहुंचना है, वो गाड़ी आने वाली है भाई। टाइम कितना हमारे पास? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अरे मिस आयशा क्या हुआ आपको, सब ठीक? क्रैक आ गया शायद, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा। मैं क्रिकेट फुटबॉल सब खेल लेता हूँ, सब पता है मुझे, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। जॉगर्स उतारने होंगे। आप मुझे डॉक्टर समझिए, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मेरे दादा बहुत बड़े जरा थे। जरा क्या होता है? देखिए अभी समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि आपको चोट तो बहुत ज्यादा आई है, लेकिन आप फिर भी पूछना चाहती हैं तो हड्डियों के देसी सर्जन से हर मर्ज का इलाज चुटके में कर देते हैं। सर कमर मारने से पहले देख लें दर्द कम हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा कम हुआ है, आपको बस थोड़ा सा आराम करना होगा, फिर हम वापस प्रैक्टिस में जा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं कर सकती, चैंपियनशिप करीब आ रही है ना। आप तो बहुत कुछ जानते हैं मेरे बारे में। आपको कौन नहीं जानता। थैंक यू सो मच जहांगीर, आपने तो आज किसी फरिश्ते की तरह मेरी मदद की है। वाकई लोग सही कहते हैं, पूरी नीयत से चाहो तो कुदरत तो बहाने ही बनाने लगती है। हेलो हेलो, कहीं जा रहे हो? नहीं आ रहा हूँ।
आ तो रहे हो लेकिन जाने के लिए दिख रहे हैं तो पूछने की वजह? हर वजह की वजह तो नहीं होती। खैर यहाँ तो मैं बिला वजह आई थी लेकिन अब अपने साथ एक बहुत बड़ी वजह लेके जा रही हूँ। तुसी जा रहे हो? ओहो जल्दी जाओ। ना जाओ। नहीं नहीं घर वालों का भी तो हक है ना, उदास होंगे सब के सब, जल्दी जाओ। इसी वजह से जा रही हूँ। वैसे मेरी आप एक बात मानेंगे? पहले ये बताओ जा कब रही हो? कल। खैर से जा रहा। हो सके तो मेरा एक काम करे, शाम का एक पहर मेरे नाम करे। वापस आते आते शाम हो जाएगी मुझे। तो रात कर दें। सारी रात जाकर सुबह ख्वाबों में खोए खोए सफर काट लूंगी। अच्छा चलो तुम जा रही हो तो वापसी पे करते हैं ना, मगर अपने एहसासात और जज्बात कंट्रोल में रखना, कहीं इरादा ना बदल लेना। फौजिया का इरादा फौजिया की जिंदगी में तो नहीं बदलेगा, एक बार मैं इरादा कर लूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। और तुम भी गौर करो अपनी हालत पे। चलो मिलते हैं। कभी आप भी गौर कर लें मेरी हालत पर उस्मान जी, इतना खुश हो रहे हैं मेरी जाने की खबर सुनकर। आराम से बिल्कुल आराम से बेटा, आराम से बेटा। एक सेकंड। बेटा ये सब कैसे हो गया? तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना? पता नहीं बस पांव ट्विस्ट हो गया बाबा। खैर करें हड्डी तो नहीं? नहीं हड्डी नहीं टूटी है, एक फरिश्ते ने ठीक कर दिया, बल्कि इतनी मदद की कि घर तक छोड़ने आया, कॉलेज का सीनियर है। बेटा फरिश्ते ऐसे ही होते हैं, एक का काम खत्म करके दूसरे की मदद के लिए गायब हो जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जाके बाहर से पेन किलर लेके आता हूँ और एहतियातन हम शाम को एक्सरे भी निकलवा लेंगे। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर हूँ और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में दोबारा भागने लगूंगी। तो ठीक है 1-2 दिन तक नो कॉलेज नो ट्रेनिंग, ओके? कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना बाबा, और शाम को हम सारे दोस्त मिल भी रहे हैं। अरे बेटा उन सबसे कहो यही आ जाए, चैंपियनशिप बहुत नजदीक है, हम मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे? वही करना है जो इस मुल्क के सियासतदान अवाम के साथ करते हैं, धोखा देना। मगर क्या और कैसे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। फिलहाल सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फैसला करेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। वो क्या? एक्टिंग। एक्टिंग? यस एक्टिंग। तुम में से किस किस को एक्टिंग का शौक है? सबको। एक्टिंग तो हम सब बहुत अच्छी करते हैं, कॉलेज में मिस बिशारत के साथ, और किया भी क्या है। आई लाइक इट, ये बच्चा मेरे काम का है, बाद में भी काम आएगा। मगर तुम सब छोटे छोटे क्यूट क्यूट मम्मी डैडी बच्चे लगते हो। फिलहाल मुझे एक खूबसूरत नौजवान कॉन्फिडेंट स्मार्ट लड़की चाहिए, शादी के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, रोल के लिए। और एक अदद नौजवान लड़का जो कम से कम इंस्पेक्टर तो लगे, क्योंकि मैं एक वर्सटाइल एक्टर हूं और ऑलरेडी डबल रोल कर रहा हूं, तो शायद मेरे लिए मुश्किल। चलो टेंशन मत लो, वो हम देख लेंगे कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, लेकिन फिलहाल प्लान्स। Don't worry यार, कोई ना कोई सलूशन निकल ही आएगा। और अगर ना निकला तो जिमी भाई? जिमी भाई वो एक नॉर्मल सी फूड डिलीवरी ठीक से नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा शो है। टूटते को तिनके का सहारा ही सही, कुछ तो करनी होगी ना। शायद इस बार खोटा सिक्का चल जाए। आई विश, ये मुश्किल से दिन रात मेहनत करके ये छोटा सा सेटअप बनाया था, तो कैसे किसी का हक मार लेते हैं यार। अगर दुनिया में ऐसे लोग ही ना हो तो अच्छे लोगों की पहचान ही ना हो, और दोस्त भी तो भरनी है ना। बस दुआ करो यार ये जिमी भाई की वजह से ना कोई भर ना हो जाए, वरना ये यासिर हमारी जिंदगी दोजख बना देगा। मतलब आज तक क्या सॉल्व नहीं किया यार, ये क्या है, हो जाएगा। चलो ठीक है बाय।
यार चौधरी, ये जिमी भाई ने हमें क्यों नहीं रोल दिया एक्टिंग के लिए? अच्छा किया नहीं दिया? क्यों, तुझे एक्टिंग से डर लगता है? मार खाने से जरूर लगता है। मार क्यों पड़ेगी? तू ना समझा नहीं है, ये कोई फिल्मी रोल नहीं है, इसमें रुलने के ना बहुत चांसेस हैं। बदमाश टाइप के लोग हैं, मर जाएंगे हम। तो हम भी चौधरी हैं। और सिर्फ पिंड में, यहाँ ना चौधरियों की आवाज पे वेटर भी नहीं आता। तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे? कुछ भी करेंगे, हमारी दोस्त की परेशानी है, ऐसे पीछे थोड़ी हट सकते हैं। तू डर क्यों रहा था? अब नहीं नहीं, मैं तो तैयार कर रहा हूँ खुद को भी और अपने जहन को भी। वो अच्छे की उम्मीद रख, अगर सर कमर बदल सकते हैं तो समझ दुनिया में सब कुछ हो सकता है। कितना पड़ेगा? सच बात तो ये है कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया ना तो हम कहाँ जाएंगे। बाबा को समझा रही है कि यासिर भाई, मेरा मतलब है यासिर जी तो बहुत अच्छे हैं, आधे पैसे कैश में दे रहे हैं, वरना लोगों के रिश्तेदार तो बहुत बुरे होते हैं, जो बचा कुचा होता है ना वो भी हड़प कर जाते हैं। शाबाश, जवान होकर खूबसूरत और ज़हीन हो गई हो। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। आई एम सो हैप्पी। कैसी लगती है आपको मेरी पोस्ट? वाह भाई वाह, बेबी तो कमाल डायलॉग बोलती है अपनी तरफ से, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी, थैंक्स अ लॉट। वैसे आपको पता है आप ना बचपन से मेरे आइडियल रहे हैं, बेबाक बड़े दिल वाले। सच्ची? मुच्ची। तो तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। अब बस 10 दिन दे दे हम कोई छोटा मोटा ठिकाना। अरे मेरे होते हुए तुम ढूंढोगे क्या? वो भी ठिकाने के साथ, बेहतरीन जगह, सिकराए और कब्जे की जगह। खैर परेशान ना हो, कब्जा तो मेरे दोस्त का ही है। अरे वाह वाह, बहादुर हो तो आप जैसा हो। बस एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। ज्यादा रिक्वेस्ट है तो मिल लेते हैं, बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और डिनर भी कर लेंगे साथ, सारी बातें हो जाएंगी। बातें तो बहुत करनी है और मिलना भी है। आ जाओ अभी। नहीं नहीं, आप तो बहुत बेसब्रे हैं, अब बात तो सुन ले मेरी। अच्छा तो हुक्म कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? अब हमारे पैसे, मतलब है जो आपने हमें देने हैं, वो अगर आप थोड़ा पहले दे जाएं तो मैं बाबा को जरा कूल डाउन कर दूंगी। ना तो आप ही की है, तो फिर लड़ाई क्यों करनी, एक ही खून तो है। ये लड़ाई झगड़ा खत्म करके प्यार मोहब्बत शुरू करते हैं ना। टाइम आगे के नफरतों को प्यार में बदला जाए, है ना। पहले बच्ची थी, अब तो मैं जवान हो गई हूँ और समझती भी हूँ सारी बातें। अपनी तरह बातें भी खूबसूरत करती हो। आपको सारे पैसे लेकर आऊंगा, कोशिश करना कि वहाँ पे ताया बुना हो, तो तुम समझ ही गई होगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बच्ची थोड़ी हूँ मैं, यहाँ से बड़ी हो गई हूँ। That's like a good girl. ये कैसे कामों पे लगा दिए जिमी भाई मुझे। And the Oscar goes to Sam. बहुत अच्छी एक्टिंग है, भूखी नहीं मरोगे। वेरी नाइस कॉम्पिटिशन, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। फोन की बात नहीं कर रहा, आपके कजन को। मैं बस तैयार होती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। टेक केयर। कौन था? सर कमर से बात कर रही थी। आपको याद है शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे इनसे थोड़ा डर भी लगता था ना। मुझे कभी दोनों मियाँ बीवी का रिलेशनशिप समझ में नहीं आया। मामा लेकिन आपस में काम भी करते हैं, रहते भी हैं, लेकिन बनती भी नहीं है आपस में। अच्छा लेकिन यू नो, पहले वो दूर दूर रहते थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना ही स्टार्टेड लाइक ओपनिंग अप टू मी, ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी, एंड अब वो अच्छे से बात कर लेते हैं मुझसे। सो आई रियलाइज कि सख्त लगते हैं वो, लेकिन अंदर से उनका दिल बिल्कुल स्टूडेंट्स जैसा है। सर तुम हो कौन, क्या समझती हो अपने आप को? किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करने के लिए आगे खड़ा होना है। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो,
आई मीन रोहिल और तुम्हारे बारे में। हमारी एक अदद दोस्ती थी जिसको आपने रिश्ते में तब्दील करके खराब कर दिया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, तुम लोगों की आपस में दोस्ती थी, उस दोस्ती को मैंने रिश्ते में तब्दील कर दिया, बस यही फर्क आप नहीं समझ पाए। हमारी दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करने की कोशिश में आपने दोनों रिश्तों को कमजोर कर दिया। देखो मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। एनीवेज मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि रोहिल की कॉल आई थी, वो आ रहा है पाकिस्तान, तुमसे शादी करके यहां सेटल होना चाहता है। अब अपना माइंड तैयार कर लो। के पास हर सवाल का जवाब है और उसे सही से समझाने का टैलेंट भी, बच्चों जैसी मासूम भी है और बड़ों जैसी मैच्योर भी। मैं जितना भी अपनी लाइफ में उलझा हुआ हूँ ना, वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही सॉल्व कर सकती है। कॉफी। थैंक यू मामा। आपको पता है आज जब मैं गई थी ना, मैंने जो आज कर दिया है। ओके, मैं शुरू से बताती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो एज यू नो मैंने मिसेस मैथ्यूज और सर कमर के लिए सरप्राइज रखा था ना, तो मैंने आपको बताया था वो आपस में लाइक दे डोंट रियली गेट अलोंग, लाइक इतने लाइक they were like formal with each other. So when they realized ki maine unke liye ek surprise rakha hai, to kafi waqt tak to wo us shock se nahi nikle. Phir finally wo us shock se nikle to maine unme ek dusre ke liye itne emotions, itni khushi, itni cheeze dekhi jo mujhe lag raha tha ki shayad kafi waqt se wo ek dusre se chupa rahe the. And it made me so happy to see that. And you know what? I am very proud of myself because mere andar ye jo salaiyat hai na, ki main logon ko pehchan jati hu aur main dekh ke recognize kar leti hu ki theek hai bhai se insaan aisa hai lekin unka andar ka haal aisa hai. It always helps me bring people closer, to make them happier. Acha to sabke dil ka haal pata chalta hai aapko, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के दिल का हाल उसकी कोई खबर नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं दूसरों के दिल के हाल जानती हूँ लेकिन अपनी माँ के नहीं। मैं जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है। रोहिल, रोहिल आ जाएगा, रोहिल की इतनी अच्छी जॉब लग गई, और रोहिल की कॉल आई, और रोहिल ने कहा था कि वो आ जाएगा, रोहिल सरप्राइज देगा। मामा, रोहिल नहीं आएगा। अच्छा anyway, छोड़े, मैं इतने अच्छे मूड में हूँ लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज कुछ खाने को मिलेगा? क्यों, डिनर पे गई थी, कुछ खाने के लिए नहीं पूछा उन लोगों ने? मतलब उन दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर में मैं कैंडल बन के बीच में बैठ जाती। अच्छा ठीक है, ओके मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। आई वॉन्ट नूडल्स। ओके, टू पैकेट्स। Two baguettes, spicy one. Not three? No, two. Okay. बहना, औरतों ने ना सल्तनत तबाह कर दी। ये तो एक आम आदमी है। Don't worry. ओ, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया।
भाई जिमी भाई वो आ गया, मुझे ना डर लग रहा है। देखिए आपने डरना नहीं है, ठीक है मैं खड़ा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, गो गो, मेरी नजर आप पे है, लेकिन शिकार वो है, जाइए। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह अब क्या कहूं ताया जी से, क्या कहना है? यही के इतनी हसीन और नाजुक लड़की जिसे पूरी दुनिया पे अपना हुक्म चलाना चाहिए, वो यहाँ पे ऐरे गहरे लोगों के ऑर्डर ले रही है। अब क्या करें, ऑर्डर्स तो लेने ही पड़ते हैं ना। अब आप बैठिए ना। ताया जान कहाँ पे? वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। फिर तो बैठना बनता है। जी जी बैठिए। कैसे करती हो इतनी मेहनत अकेले? अब क्या करें, हमारे नाज किसने उठाने हैं? मैं हूं ना नाज उठाने के लिए। वैसे तो दौलत आशिक है तुम्हारे भाई, आई मीन यासिर भाई। ताया जान मिलवाते ही नहीं है तुम लोगों से, इतना अरसा हो गया तुमसे मिले हुए, आज तुम्हें देख के दिल खुश हो गया मेरा, पैसे पूरे हो गए मेरे। अब ना उनको मिलवाने की जरूरत है और ना हमें पूछने की। आपकी ईमान ताया जी को दे देगा ताकि वो बिजी हो जाएं और हम इजी। यासिर जी इसकी कोई रसीद या कोई स्टैंप पेपर? अरे अपनों में काहे की स्टैंप, कौन सी रसीद, वैसे भी जो स्टैंप तुमने दिल पे लगा दी है ना वो ही काफी है। खैर आना जाना लगा रहेगा इस बहाने और मिलते जुलते रहेंगे। वैसे यासिर जी एक बात कहूं, आपका ना ये हेयर कट जो है ना ये आप पे बहुत सूट करता है। थैंक यू। वैसे कल क्या कर रही हो कॉलेज के बाद? बस कॉलेज के बाद यहीं पर। अरे यार यहाँ को छोड़ो, वहां पे आओ जहाँ तुम्हारा मुस्तकबिल है, पैसा है, आराम है, कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम्हें तो बस पार्टी करनी चाहिए, ओनली एंजॉय। चाहती तो हूँ पर डर लगता है। पैसा सारे डर को खत्म कर देता है, और वैसे भी तुम्हारे साथ तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे इन्वेस्टर से मिलवाऊंगा कि हम एक आलीशान कैफे बनाएंगे। रियली? ये तो मेरा ख्वाब है। आज से तुम ख्वाब देखोगी और मैं पूरे करूंगा। लोकेशन तुम्हें सेंड कर दूं या गाड़ी भिजवा दूं? अरे इसकी क्या जरूरत है यासिर जी, बच्ची थोड़ी ना हूं मैं, खुद ही आ जाऊंगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखना, बाद में तो मुझे रखना ही है। ऐसा वैसा खुश, अब तक तो पहुंच गई होगी गुजरांवाला। मुबारक हो, चल अब जल्दी कैफे पहुंच जा यार। आज तो वैसे ही मेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मुझे तो डर लगता था मैं सोया रह जाऊं और ये मेरे साथ शादी कर ले और मेरी आंख खुले सीधा वलीमे पे। इतनी वो क्या कहते हैं, हाँ इतनी दादी, और मेरे दादी की दादी इतनी दादी। तुम गई नहीं? चल बेटा तू सफर करने के लिए तैयार हो जा। अच्छा जा रही हो, खुदा हाफिज करने आई हो। बाय बाय। मैं भी जा रहा हूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पहले आप बोलें। क्या बोलूं? बोलो पेंसिल। पेंसिल जाना कैंसिल? क्यों? वो असल में मैंने इम्तिहान ही देने थे और प्राइवेटली भी देने थे, तो मैंने सोचा कि मैं एकेडमी में ही दाखला ले लेती हूँ और अब्बा मेरा सब कुछ यहाँ पे पहुँचा देंगे, कपड़े वगैरह सारा कुछ, वरना मुझे क्या जरूरत है सफर करने की। तो वो तुम्हें भी यहाँ से क्यों नहीं लेके जाते?
अम्मा के बाईपास के लिए पापा को जाना पड़ रहा है ना लंदन भाई के पास, मैं क्या करूंगी वहां पे, मेरा तो इतना पढ़ाई का हर्ज होगा, और वैसे भी आप लोगों से ज्यादा मेरा अपना और है ही कौन, तो आपको खुशी नहीं हुई? हाँ मेडिसिन ली है मैंने, स्प्रे भी किया है, पट्टी भी दोबारा की है, जो कर सकती हूँ कर रही हूँ, बट आई विश कि मैं सैम की मदद कर पाती, लेकिन तुम लोगों के साथ मेरी दुआएं, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम यखनी बनाई है। थैंक यू पापा। इसे फौरन पियो, इससे पहले कि ठंडा हो जाए, ओके? मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। जिम्मी भाई और इतने सीरियस? पता है सैम, आप बहुत लकी हो, आपके जैसे दोस्त हैं, उस जैसा कोई एक दोस्त भी होता ना मेरा, आज मैं कहीं और होता, बिना सवाल किए सब राजी हो गए कॉल पर, ना किसी ने पूछा क्या होगा, कैसे होगा, घर वाले क्या कहेंगे, आप लोगों को साथ देखकर दोस्ती का असल मतलब पता चला। हाँ वैसे ना हम सभी बहुत लकी हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, जिस तरह आप बगैर सवाल पूछे इस मुसीबत में कूद पड़े हमारे लिए, इस कैफे के लिए, वैसे हम भी आपको किसी मुश्किल में ना अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सैम उन सब की जान है और आप मेरे भाई जान। फिलहाल तो आपके भाई जान की जान निकली भी, बस दुआ करती रहना हर तीर निशाने पे लगे, दूसरी टेक का मार्जिन नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, व्हाई डोंट यू लेट द पुलिस हैंडल इट? पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे, पर एक बार उसके खिलाफ सबूत जमा करके, क्योंकि सैम के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है प्रॉपर्टी के, उसके कजन ने इतनी स्मार्टली ट्रैप किया है। और तुम इस क्रिमिनल कजन को अकेले हैंडल करोगे? अकेले थोड़ी होंगे, हम सब साथ होंगे। नो सॉरी, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, दिस इज टू डेंजरस। अच्छा मतलब साबित कर दिया कि सब बातें थी, है ना, मेरे लड़की होने की वजह से डर रहे हैं आप? Nope, sorry. और मेरा दिल ये नहीं मान रहा कि आप मेरे पापा हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, आज मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने से रोक रहे हैं। सोचता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें यासिर, मैंने पापा को कल का बोल दिया है। वेरी गुड। वैसे तुमने बोला क्या है? यही कि मैं कल फ्रेंड्स के साथ मूवी पे जा रही हूँ और फिर हम डिनर करेंगे, तो आई विल बी लेट। इसीलिए मैं अपनी दोनों बीवियों से नफरत करता हूँ, उनकी कोई चीज ही नहीं है दोनों में, हर वक्त लड़ती रहती है। उफ अल्लाह यासिर, कितने अजाब में रह रहे हैं आप, so sad, है ना? इसीलिए मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली है, जिसका किंग सिर्फ यासिर है। मुझे भी अपनी दुनिया दिखाए ना प्लीज यासिर। फिर ना कहना बताया नहीं, वहां पे जरा गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं। तुम डर ही ना जाओ। क्रिमिनल एक्टिविटीज, वाओ, मुझे तो ना मूवीज भी ऐसी पसंद है। क्या क्या होता है वहां पे? मैचेस पे छोटा मोटा जुआ और ताश फाश खेल लेते हैं बस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इश्तिहारी, गैर कानूनी असला और दिया तो इश्तिहारी और असले पे बैन किया हुआ, मगर आप जैसा कहेंगी कर लेंगे, फुल पार्टी माहौल बना देंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मैं पहली दफा आ रही हूँ ना, तो जितने कम लोग हो ना उतना अच्छा है, मुझे रश अच्छा नहीं लगता ना। तो देखती ही रहोगी, खुले दिल से आना, हम दोनों कहीं अलग बैठेगी। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
खुदा हाफिज। तोबा तोबा जिमी भाई, ये यासिर तो बहुत ही घटिया और बेशरम है। तरकी एक सेकंड। आप इधर क्यों बैठ रही हैं? अंदर चले ना। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। चले ठीक है, इधर ही सही। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी तो नहीं है जाने की? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। वेरी गुड, तुम जाओ लीजिए जूस। अब बाकी सब नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? घर पे, मैंने सबको छुट्टी दे दी है और मैंने उनसे कहा है कि हमें डिस्टर्ब ना करें, वो लोग अपना काम करें और हम लोग अपना काम। काम की बातें, हम लोगों ने अपना एक बेहतरीन सा कैफे भी तो बनाना है। आइस मिलेगी? आइस मैं तो यूज नहीं करता, आप करती हैं? बर्फ मांगी है, बर्फ मिलेगी? ओह आइस मैं अभी लेकर आता हूँ जी, बस एक मिनट। कहाँ फंसा दिया जिमी भाई ने। ये ले आपकी आइस। थैंक यू। अरे पीजिए ना। चीयर्स। वाह क्या बात है, ये अदाएं कहां से सीखी हैं आपने? जरूरत इजाद की माँ है यासिर जी। हाँ इन नई इजाद की वजह से तो बच्चे बहुत समझदार हो गए। इसी इजाद का एक नया फोन लेकर दूंगा मैं आपको। Really? Wow! Thank you so much यासिर जी, आप तो ना दिल की भी बादशाह हैं। I'm so happy. You happy? Me happy. हम दोनों मिलके एक happy दुनिया बनाएंगे। ये जूस ठीक है क्या? It's perfect. अरे पीजिए ना। और मैं एक मिनट के लिए। अरे क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? यासिर जी बात तो सुनो ना। यासिर जी बहुत गलत वक्त पे जूस पी लिया है। खैर तुम बताओ क्या करती हो, क्या पसंद है? अच्छी अच्छी मूवीज देखती हो? अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, मूवी देखें? बाद में देखेंगे ना, अभी मेहमान तो आ जाए। मेहमान? आपने खुद ही तो कहा था कि पार्टी है, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया कि ज्यादा फन हो जाएगा। क्या मैंने गलत किया यासिर जी? फ्रेंड्स? यू मीन लड़कियां? ऑफ कोर्स। मैं एक मिनट आया। अरे आप अभी तो गए थे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं गया तो पार्टी गंदी हो जाएगी। लेकिन उनको रिसीव कौन करेगा? आप खुद कर लीजिएगा, अपना घर समझिए ना। मैं आ रहा हूँ एक मिनट। अरे लेकिन मेरी बात तो सुने यासिर जी। कहाँ रह गए ये लोग, कितना संभालूं मैं इसको?
मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छी सी मूवी देख ही लेते हैं। नाजरीन नाजरीन ये देखें, दरिंदगी का जीता जागता सबूत, बेशर्मी का बाजार गर्म करता हैवान, ये है यासर झूठ की दुकान। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया है? कैमरामैन शकीला के साथ मैं हूँ शकील, और अभी इसी वक्त यहाँ इस घर से पुलिस ने 4 जुआरी अपने हिरासत में लिए हैं जो अभी नीचे वैन में हैं। जुआरी? मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। तुम सबका वो हाल करूंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। खबरदार, हिलने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा इधर। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।